गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, और वहाँ से वैष्णो देवी और वहाँ से पटनी टॉप। ये पूरा मतलब एक हफ्ते का टूर है। मतलब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से, हम मासी मामा और हम सब। ऐसे तो अभी कोरोना चल रहा है, हमको जाना नहीं चाहिए था, बट हमने ऑलरेडी 1 मंथ 2 मंथ्स पहले हमने ट्रेन की टिकट बुक करा ली थी। तो और अभी तो हम सोच रहे, अभी कोरोना चल रहा है तो हम उसका ध्यान भी रखेंगे, सेफ्टी के साथ जाएंगे। और हम टोटल 25 या 26 लोग हैं, तो मतलब मासी है और भाई है सब मेरे, तो मज़ा आ जाएगा। मामा भी है तो हम सब जाएंगे साथ में ट्रेन से। तो बस ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। पहले जाएंगे हरिद्वार, फिर वैष्णो देवी और फिर पटनी टॉप। तो बस अभी मैं जाता हूँ नीचे और फटाफट पैकिंग करते हैं। रिक्शा वाले भैया आने वाले 9 बजे, और हमारी 11 बजे की ट्रेन है, तो हम वहाँ 10 बजे तक पहुँच जाए तो अच्छा ही है। तो फटाफट चलते हैं। ठंड तो बाहर बहुत हो रखी है, पता नहीं वहाँ पे क्या हालत होगी। कोई नहीं, जैसा भी होगा मज़ा आएगा, मिलता हूँ। तो बस यार इतने सारे बैग पैक हो गए, हम 3 जन के बीच में इतने हैं, तो फिर कितने टोटल बैग हो गए। तो और एक और काम बढ़ गया है, रिक्शा वाले भैया अभी तक आए नहीं है, तो हम सोच रहे हैं हमको ही अब नई रिक्शा पकड़नी पड़ेगी। तो फटाफट चलते। तो बस दोस्तों, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, और ये वाली जो पीछे है वो हमारी ट्रेन है, और सब अंदर आ गए। ट्रेन आ गई थी तो हमने सबने सामान अंदर रख दिया। तो बस अभी जाते हैं, अभी तो टाइम है, आधे घंटे बाद ट्रेन उठेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, जाते आराम से। अभी मैं बस बाहर ऐसे ही घूमने आया था, अभी बहुत टाइम है। तो बस अभी टाइम हो गया है तो अब हम अंदर जाएंगे। ये सब हमारे ही है, सब भाई लोग, और सब अभी मैं मिला था। पूरे एक दिन जाने में लगेगा, पहले हरिद्वार जाएंगे वहाँ से वहाँ। तो बस अभी मैं देख आपको बताता हूँ पूरा, मतलब डब्बे में ज़्यादातर हमारे ही लोग है। नया डब्बा ही हमको मिला है, तो बस अभी मजा आ जाएगा। कैसा लग रहा है? एक्साइटेड? सो मच एक्साइटेड। अभी दो हमको 2 दिन लगेंगे, तो अभी 2 दिन ट्रेन में ही निकालना है बस। तो बस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम पहुंच गए आबू रोड।
और बस स्टेशन पे रुका हूँ क्योंकि आधे घंटे का ब्रेक है, तो मतलब सब अंदर खेल रहे, बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी धूप है बट अभी ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है, अभी आबू रोड से ठंडी हवा स्टार्ट हो गई है, तो अभी स्टेशन पे उतरा था, बस मैं ऐसे ही घूम रहा था। तो दोस्तों अभी शाम के बज गए 6:30 और जैसा कि आप देख रहे हो बाहर सब जगह अंधेरा हो गया है, इसलिए मैं इधर खड़ा हूँ एरिया में, इधर लाइट अच्छी आ रही थी तो बस अभी ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाऊँगा, अंधेरा हो गया है तो बस मिलता हूँ मैं आपको कल। आज बहुत मज़ा किया हमने, बहुत खेले और मैं तो सोता ही रहा क्योंकि अभी क्या करूँगा बैठे बैठे, और घूमा फिरा बातें करी तो अभी तो कुछ दिखाने लायक है नहीं, अंधेरा भी हो गया है। तो मिलता हूँ कल सुबह, बाय। जगत के बाल राम जी के निकले सवार। मैं चाहे जो करो करो मेरी मर्जी। और भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह ठंड, मुंह में से इतनी ठंड है, मुंह में से धुएं निकल रहे, और अभी पता नहीं हम कौन से स्टेशन में, बट व्यू अच्छा है तो मैं बाहर निकला हूँ। तो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, पूरी रात नींद नहीं आई। क्या ही बोले, बस अभी एक मिनट के लिए ट्रेन रुकी है और क्या व्यू आ रहा है। मतलब अभी तो और भी आगे जाना है, और भी ठंड बढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी हम आज जाएंगे हरिद्वार, और फिर हम जाएंगे रात को ट्रेन में बैठेंगे वैष्णो देवी के लिए जम्मू। अभी तो मैं बस व्यू के मज़े ले रहा हूँ बस। फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार, और ये सब पीछे पूरी टोली है, और मतलब बैग देखो कितने सारे। एट लास्ट फाइनली हम पहुंच गए। अभी थोड़ी धूप है इसलिए यानी ठंड नहीं लग रही, बट अभी हम जा रहे हैं पूजा करने और फिर हम रात को निकलेंगे। तो ऐसा कुछ व्यू है, बहुत मस्त लग रहा है और ठंडी भी लग रही है। तो अभी जाते हैं, थोड़ा फोटो सेशन और ये सब चल रहा था। तो दोस्तों मैं आपको टाइम बताना तो भूल ही गया, अभी हो रहे 11:30 और आज है 12 जनवरी। तो बस अभी हम सब रेलवे स्टेशन में से निकल रहे हैं, ये लॉकर है सरकारी लॉकर, तो हमने यहाँ सब बैग हमारे इधर ही जमा करा दिए क्योंकि शाम को हमको वापस इधर ही आना है।
तो आपके पास भी अच्छा आइडिया है, अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो, और अगर आपको ऐसे बैग रखने हो, आप शाम तक वापस आने वाले हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। मैं पीछे रह गया हूँ, अभी मैं जाता हूँ फटाफट, और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, मैं नाम भूल जा रहा हूँ इसलिए फटाफट पहले जाता हूँ, सब आगे निकल गए। फाइनली अभी हम जा रहे हैं अंदर डुबकी मारने, मतलब सब ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब डुबकी मारेंगे तो अपने पाप और सब चले, मतलब वो चले जाते हैं। तो फाइनली बहुत ठंडा पानी, हवा भी बहुत चल रही है, बट अभी इधर आए तो डुबकी मारनी पड़ेगी, तो मैं जाता हूँ अब देखिए। तो बस अब हमने नहा लिया है बारी बारी करके, और अभी दोपहर के 3 बज रहे, और इतना ठंडा पानी था कि पूछो ही मत, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, बट ठंडी लगी बस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, क्या बोलती थी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। बस अभी हम मतलब सब रेडी हो गए, तो अभी निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी 5 बजे की ट्रेन भी है। तो बस अब हम इधर गंगा में आए पानी, गंगा का पानी भरने। कितना कितना लीटर है कुणाल? 5 लीटर है, भर दे। बहुत मस्त व्यू है, ये देखो हमने नहा भी लिया, बस ये पानी भरने आए फिर जाएगी। और अभी मैंने मार्केट में से टोपी ली है, बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बस अभी मैं हरिद्वार के स्टेशन पे हूँ,
और हम लोग बस वेट कर रहे ट्रेन का, और वहाँ पे सब लोग बैठे, वहाँ पे बहुत आवाज़ शोर हो रहा था इसलिए मैं इस साइड आया। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वैष्णो देवी कल, तो मतलब हम सुबह कल सर शायद मामा बोल रहे थे कि 7 या 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। ठंड तो लग रही है बट मज़ा भी आ रहा है, कोई नहीं अभी ट्रेन का वेट करते। तो फाइनली एट लास्ट हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, और आप देख सकते हो मतलब तब हमको अलग अलग डिब्बे मिले थे, तो अभी बस हम जस्ट उतरे, तो अब जाते हैं एक साथ में आगे की तरफ। पूरी रात में सो नहीं पाया जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियो में, ठंड बहुत है इधर, तो मतलब लिटरली अभी मैंने वीडियो शूट किया है बर्फ देखने को मिल रहा है अभी, तो आगे जाएंगे तो मामा ने कहा और भी मिलेगा, बोल भी नहीं पा रहा मैं सही से एकदम, इतनी ठंड है। अभी ग्लव्स भी लेने, ग्लव्स लेना भी मैं भूल गया था, तो बस व्यू बहुत मस्त है जगह, अब इधर आए तो ठंड तो लगेगी, मज़ा भी आएगा, तो अभी चलते आगे, देरी नहीं करेंगे और बैग ले लेते और चल। तो फाइनली हम मतलब लाइन में खड़े, ये पूरी पीछे देखो लाइन लगी है पूरी पूरी वहाँ तक, वो देख रहे हो आप वहाँ यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक, और ये देखो बर्फ, श्री माता वैष्णो देवी दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। लाइन तो मतलब अभी फास्ट फास्ट चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लास्ट स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाला जो अभी नया बना था फिलहाल, तो बस अभी जाते हैं। तो फाइनली अब हम आ गए रूम में, होटल में मतलब सबको अपना अपना रूम मिल गया है, तो बस अभी हम कपड़े चेंज करते हैं, और आज का कुछ ऐसा प्लान है कि आज अभी हम जाएंगे शिवखोरी जाएंगे, और मामा ऐसा बोल रहे हैं कि रात को हम वैष्णो देवी चढ़ेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। और ये है कि अभी शायद शिवखोरी में भगवान का मंदिर है, तो शायद शंकर भगवान का, तो शायद हमको नहाना भी पड़ेगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी करना है, बहुत भूख लगी है।